नमस्ते भैया। नमस्ते भैया। नमस्ते 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 भैया। भैया मैं दो प्रश्न पूछना चाह रहा था। जी जी आवाज आ रही मेरी? जी 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 पहला प्रश्न तो ये पूछना चाह रहा था, इसका विश्वास और सम्मान की बात हुई तो हम संबंध में दो लोगों के बीच बहुत अच्छा विश्वास है और हमें सम्मान भी देती है, लेकिन कई बार हम सुविधा के कारण, पद या धन के कारण सम्मान देते हैं, कई बार शरीर के भेद के कारण सम्मान देते हैं। तो सामने वाला उस सम्मान को ऐसा क्यों समझ लेता है कि हम कमजोर हैं इसलिए उसको सम्मान कर रहे हैं, या ऐसा हमारी कोई सहज स्वीकृति में अंतर आ रहा है इसलिए हम समझ पा रहे हैं? जी, तो आपका प्रश्न यह है कि जब हम सामने वाले का सम्मान करते हैं और तो सामने वाले को कई बार ये लग जाता है कि हम कमजोर हैं इसलिए हम उसका सम्मान कर रहे हैं। जी भैया जी। अभी तो समाज में अगर देखें तो इस तरह की मान्यताएं तो बहुत सारी हैं ही, और समाज में ही मैं भी हूँ तो मेरे में भी इस तरह की बहुत सारी मान्यताएं दिखती हैं। जैसे मैं कहीं पर कार से गया तो मेरा ज्यादा सम्मान हुआ, बाइक से गया तो कम सम्मान हुआ, साइकिल से गया तो और भी कम सम्मान हुआ, या नहीं हुआ अपमान ही हो गया। तो अभी इस तरह का समाज में एक प्रचलन तो बना हुआ दिखाई देता है, पर ये दिखता है कि कल जब सम्मान की बात हो रही थी तो सम्मान जो होगा वो कंडीशनल होगा या अनकंडीशनल होगा, भेद रहेंगे। जैसे भाई ऐसा भी रहेगा कि कोई व्यक्ति कार से आ रहा है, कोई साइकिल से आ रहा है, कोई बाइक से आ रहा है, कोई महिला है, जी कोई पुरुष है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई बलशाली है, कोई निर्बल है, इस तरह का एक भेद तो बना ही रहेगा समाज में और वो तो दिखता ही है। भैया, उससे अपने को अपन कैसे संतुष्ट करें, अपने को मन में दुख ना हो, इसके लिए अपन क्या कर सकते? तो जो सामने वाला अपमान कर रहा है उससे मैं दुखी ना हूं। जी, इसके लिए अपन कोई ऐसा उपाय जो अपने को कम दुखी मुझे लगता करे है या ना करे? उपाय तो यही है कि मैं जी मुझे लगता है उपाय तो यही है कि मैं अपनी कल्पनाशीलता के प्रति जागरूक हो पाऊं, क्योंकि जो भी मेरी योग्यता है वो तो मेरी कल्पनाशीलता के आधार पर ही तय हो रही है। मेरा जो इच्छा विचार आशा में चल रहा है उसी आधार पर तय हो रही है। अगर मैं अपनी कल्पनाशीलता के प्रति जागरूक हो पाता हूँ तो वहां से मैं देख पाता हूँ कि भाई सामने वाला सम्मान कर रहा है या अपमान कर रहा है, वो अधिमूल्यन कर रहा है या अवमूल्यन कर रहा है, मैं इन छोटी छोटी चीजों को देख पाता हूँ तो मैं फिर अपने में बहुत परेशान नहीं हो पाता होता हूँ। लेकिन अगर मैं अपनी कल्पनाशीलता के प्रति अवेयर नहीं हूँ, जागरूक नहीं हूँ, क्या चल रहा है मैं उसी को नहीं देख पा रहा हूँ, तो फिर मैं ये बहुत सारी गड़बड़ी जो है वो करता रहता हूँ, मैं भी करता रहता हूँ, सामने वाला व्यक्ति भी करता रहता है। लेकिन अगर मैं जागरूक हो जाता हूँ तो मुझे दिखता है कि भाई ये सामने वाला व्यक्ति जो है वो इस तरह का कर रहा है, सामने वाला व्यक्ति अभी ध्यान नहीं दे पा रहा है, इस तरह की गड़बड़ी कर रहा है। जी भैया, धन्यवाद। जी, धन्यवाद जी। अनिल भैया। दशरथ भैया नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, बताइए। हाँ जी नमस्कार, मैं कटनी से जी अनिल कांबले बोल नमस्कार। रहा हूँ भैया। कल भानु जी भैया ने लास्ट लास्ट में कुछ क्वेश्चन ले रहे थे, उस समय कुछ बता रहे उन्होंने, तो उसमें मेरे को समझ में आया था, मैं समझना चाह रहा था। वो बोल रहे थे कि सभी की लक्ष्य कार्य और क्षमता एक जैसी होती है लेकिन योग्यता अलग अलग होती है। वो मुझे समझ में नहीं आया कि सबका लक्ष्य और कार्य और क्षमता एक जैसी कैसे हो सकती है, क्योंकि बच्चे की क्षमताएं और बच्चे का लक्ष्य तो कुछ दूसरा हो सकता है और बड़ों का लक्ष्य और क्षमताएं अलग हो सकती है। हाँ योग्यता तो सबकी अलग अलग होती है, ये सच बात है। तो दिलशाद भैया मैं इस चीज को समझना चाहता था स्पष्ट रूप से कि लक्ष्य सब कैसे हो जी सकता है एक भैया, जैसा और क्षमताएं कैसे एक जैसी हो सकती है। जी जी भैया, जी भैया, मैं ऐसा करूं क्या, थोड़ा सा रिकैप कर दूं अभी तक जो चर्चा हुई है और उसी के लास्ट में वो जी बात जी भी आ जाएगी, ऐसा ठीक रहेगा अनिल जी भैया? जी जी अभी तक जो जी अभी मैं यही चर्चा हुई समझ है रहा था। उसको मैं एक बार रिकैप जैसा कर देता हूं। हेलो जी जी ठीक है जी भैया। अंशुमान जी, जी जी नमस्ते ऐसा ठीक भैया। रहेगा, बताएं आप? नमस्ते। हमें जी अंशुमान जी से
जी दिलसाल भैया, मैं बाद में समझ लूंगा, मैं फिर से चाहे तो ये प्रश्न फिर से रखूं। नहीं मैं अनिल भैया एक अंशुमान जी से भी पूछ लूं, आपसे भी बात हो गई, अंशुमान जी भी कुछ बात रख रहे हैं, तो अंशुमान जी भी अगर, और संतोष जी के भी पास माइक है, प्रेमलता जी के पास भी माइक है, अगर बता दें आप लोग या चैट बॉक्स में भी लिख दें कि थोड़ा सा मैं रिकैप कर दूं, चैट बॉक्स में भी एक दो लोगों का मैसेज आया है कि रिकैप कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल जितनी भी चर्चा हुई है उसको भैया फिर से उसका सार संक्षेप कर देंगे, कुछ छूटा होगा तो वो पूरा हो जाएगा, कुछ छूटा होगा और फिर उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर की तरह ही जैसे चर्चा कर रहे हैं वैसी चर्चा को चलाएंगे। ओके सर, ओके ठीक। तो अभी तो ये जो पहले दिन चर्चा हुई जो शुरुआत में सबसे पहले, तो ये दिखता है कि मानव के लिए ये तीनों ही चीजें जरूरी दिखाई देती हैं, कि खुद में सही समझ हो जाए, स्वयं में सही समझ हो जाए, संबंध पूर्वक दूसरे मानव के साथ जी पाए और शेष प्रकृति से सुविधा जो है वो हम एकत्रित कर पाए। अब सही समझ के साथ जब हम सुविधा को लेते हैं तो वहां से हम सुखी हो पाते हैं, सही समझ के साथ जब सुविधा को एकत्रित करते हैं तो वहां से हम उभय समृद्ध या समृद्ध हो पाते हैं। अब जो ये समझ है ये शिक्षा संस्कार से आ पाती है, और ये जो संबंध पूर्वक जीना है दूसरे मानव के साथ, जो सुविधा एकत्रित करना है, वो मेरा संस्कार है, तो शिक्षा संस्कार से ये पूरी चीजें मुझे मिल पाती है। और ये भी बात ध्यान में आती है कि मानव का जीना चार स्तरों पर हो रहा है, मानव जो है वो खुद के साथ जी रहा है, परिवार में जी रहा है, समाज में जी रहा है, प्रकृति में जी रहा है, और इन चारों स्तर पर जीने की एक व्यवस्था है, कुछ नियम है, अगर हम उसको नहीं समझेंगे और बिना उसके समझे जिएंगे तो बहुत सारी गड़बड़ी करते रहते हैं, लेकिन उसको समझ के भी जिया जा सकता है, ऐसी बात है। तो दोनों ही मुद्दे हैं, समझना भी है और जीना भी है, बिना समझे जिएंगे तो भी गड़बड़ है, समझ लिए हैं लेकिन जीने भी नहीं आ रहा है तो भी कोई बहुत हमारा उससे उपकार नहीं होगा। तो दोनों ही काम करने की जरूरत है, समझना भी है और जीना भी है, ये एक बात जो है वो ध्यान में आती है। और ये बात भी दिखा कि भाई हमारा अभी जो बहुत सारा हमको ये दिख तो गया कि समझ, संबंध, सुविधा तीनों ही जरूरी है, लेकिन हमारी इतनी कुछ मान्यताएं ऐसी हो गई है जिससे ये दिखता है कि हमारा जीना बहुत सारा जो है वो सुविधा के लिए हो रहा है, और जब हमारा जीना उस सुविधा से निकल कर समझ संबंध सुविधा के लिए होता है तो इस पूरे को हम ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्रेस या परिमार्जन विकास कह रहे हैं। अभी हमको लगता है कि भाई विकास नहीं होगा, विकास रुक जाएगा, तो फिजिकल फैसिलिटी का तो बहुत सारा विकास हो गया, लेकिन फिजिकल फैसिलिटी के साथ साथ समझ का, संबंध का भी विकास हो जाए, क्या चीजें जरूरी हैं क्या जरूरी नहीं है इसको भी हम देख पाए, तो इस तरह का जो एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, समग्र विकास हो जाए, ये अपने में दिखता है कि एक महत्वपूर्ण चीजें दिखाई देती हैं। अब जो ये समझने जाए इस पूरी प्रक्रिया को, तो वो क्या ठीक लगती है कि मैं कुछ किस आऊं आपके सामने, कुछ आपको आदेश दे दूं, ये कर लो ये कर लो, ऐसा ठीक है, जो मैं कह रहा हूँ वो मेरा सुन लो, एक तो ये हो गया आदेश, एक होता है उपदेश, ये कर लीजिए ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा, मैं जो बता रहा हूँ मैंने देखा है आप भी देखिए बहुत अच्छा रहेगा, ये सब हो जाता है उपदेश। एक होता है प्रस्ताव, प्रस्ताव ये है कि मैंने, मुझे कुछ प्रस्ताव मिला, मैं अपने लिए कुछ जांच परख करके देखा, आप भी अपने लिए देख लीजिए जांच परख करके, अगर ठीक लगे तो जी कर देखिए। तो ये तीन विधियां हैं, एक दो तीन, तो ये पूरी चर्चा को किस तरह से करना ठीक है, एक से दो से तीन से, आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। आदेश विधि को एक कहा, उपदेश विधि को दो कहा, प्रस्ताव विधि को तीन कहा, बढ़िया। तो सब लोग लिख रहे हैं कि तीन विधि से करना ठीक है, तो प्रस्ताव विधि से ही रखी गई बात कि भाई जो भी यहाँ पर बात रखी जा रही है तो वो आपके सामने एक प्रस्ताव के तौर पर है, और इस प्रस्ताव को क्या करें, माने ना माने के छोड़ दें, तो वो भी दिखता है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा, तो प्रस्ताव की जांच परख करें। अब प्रस्ताव की जांच परख किसके आधार पर करें, दूसरे के आधार पर, किसी क्रिकेटर के आधार पर, किसी फिल्म स्टार के आधार पर, किसी साइंटिस्ट के आधार पर करें, या खुद के आधार पर करें, तो ये दिखता है खुद के आधार पर करना ठीक है।
उसको कहा सहज स्वीकृति। खुद के आधार पर जो प्रस्ताव की जांच परख कर रहे हैं उसको कह रहे हैं सहज स्वीकृति। अब अगर केवल सहज स्वीकृति में जांच परख करके छोड़ दिए तो भी काम पूरा नहीं होता, तो जांच परख करके फिर उसको जी कर भी देखना है। पहले स्टेप में हमने जांच परख की सहज स्वीकृति के आधार पर, और दूसरे स्टेप में उसको जी कर भी देख रहे हैं। कैसे? जैसे मुझे ये लिहिक लगा कि भाई सम्मान के साथ जीना ठीक है, मुझे सहज स्वीकृति हुई, अब मैं दूसरे मानव के साथ सम्मान के साथ जी रहा हूँ, तो वहां जीते हुए मैं सुखी हो रहा हूँ कि दुखी हो रहा हूँ ये मैं अपने में देखता हूँ। तो इस पूरी प्रक्रिया से मेरी समझ जो है वो बढ़ती है, वो एक डेवलप होती है, और मैं अपने में वो एक पुष्टि होती जाती है कि हाँ भाई ये जो मैं जैसा जी रहा हूँ ये ठीक है। तो ये पूरी बात हुई। तो इस पूरी बात को यहाँ जो भी बात रखी जा रही है वो एक प्रस्ताव विधि के आधार पर रखी जा रही है, और अगर हम सब उसकी जांच परख कर पाएंगे तो हमारे लिए जीने में थोड़ा ठीक दिखता है ये। अब जो मानव की मूल चाहना है वो क्या दिखाई दी? तो दिखाई दी मानव जो है वो सुखी समृद्ध और इसकी सुख समृद्धि और इसकी निरंतरता चाहता है। मानव सुखी होकर जीना चाहता है, समृद्ध होकर जीना चाहता है, और ऐसी सुख और समृद्धि की निरंतरता भी चाहता है। ये बात ध्यान में आती है। सुख को क्या कहा? सुख को कहा कि संगीत में व्यवस्था में होने को सुखी। सुख और एक्साइटमेंट ये दो अलग अलग चीजें हैं। समृद्धि को क्या कहा? आवश्यक सुविधा से अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का जो भाव मेरे में हो जाता है कि भाई मेरे पास मेरी आवश्यक सुविधा से अधिक उपलब्ध है, इसको कह रहे हैं समृद्धि। फिर इसके बाद जो है वो मानव की चर्चा हुई। जब मैं खुद में क्या व्यवस्था है उसको देखने गए तो देखा कि भाई मैं भी हूँ और शरीर भी है, और मैं जो हूँ चैतन्य इकाई हूँ, और ये चैतन्य इकाई क्यों हूँ? क्योंकि मेरे मुझ में जानने और मानने की प्रक्रिया है। मैं किसी व्यक्ति को अपना दोस्त मान लेता हूँ, ट्रेन में जा रहा हूँ किसी व्यक्ति को अपना दोस्त मान लिया, अपना संबंधी मान लिया, तो पता चला उसको अपने सीट पर ही बैठा दिया, बहुत कम जगह है वहीं पर बैठा दिया, आओ भाई बैठ जाओ। क्यों? क्योंकि मैंने उसको दोस्त माना हुआ है, संबंधी माना हुआ है। लेकिन वहीं किसी को मैंने दोस्त नहीं माना, अपना दुश्मन माना, तो और फैल के बैठ गए, उसको आया बोले दूर कहीं बैठ जाओ, जाओ कहीं। तो ये जानने और मानने की जो प्रक्रिया है ये दिखाई देती है कि ये मुझ में है, शरीर में ऐसा नहीं है। शरीर में सिर्फ पहचानना और निर्वाह करना ऐसा दिखाई देता है। सेल्फ में पहचानना और निर्वाह करना भी है, पर वो पहचानना और निर्वाह करना जानने और मानने के आधार पर होगा। इसीलिए खुद को चैतन्य इकाई कहा और शरीर को जड़ इकाई कहा। अब जब खुद को खुद की क्रियाएं देखी कि मुझ में क्रियाएं क्या क्या चल रही है, तो ये दिखा मुझ में इच्छा विचार आशा ये चल रहा है। मुझे कार लेने की इच्छा हुई, उसके लिए कुछ विचार चला, कौन सी कार ले लूं, कहां से ले लूं, किस कलर की ले लूं, किस कंपनी की ले लूं, कुछ ऐसा विचार चला। कुछ आशा भी हुई, कोई बैंक मुझे लोन दे दे, कोई मेरा सहयोगी मुझे कुछ पैसा दे दे, कोई मुझे साथ में ले चले, कार पसंद करवा दे, इस तरह की भी बहुत सारी आशा दिखाई देती। अब ये जो इच्छा विचार आशा हो रही है मुझे, जिसको कल्पनाशीलता में हो रहा है, वो किस आधार पर हो रहा है? वो मान्यता के आधार पर भी हो सकता है कि ये देखा कि भाई वहां पर गए थे, मैं बाइक से गया था, वो व्यक्ति कार से आए थे, उनका ज्यादा सम्मान हुआ, मेरा कम, बस एक प्रमोशन हो जाए, कार लूंगा तो वही वाली लूंगा, ये ऐसा हो जाता है। संवेदना से भी हो सकता है कि भाई ये देखा कि हम जो है वो जा रहे थे ऑटो से, टेम्पो से, और वहीं जो है बगल से एक लाल रंग की चमचमाती हुई कार निकल गई, तो ये लगा कि बस इस बार इंक्रीमेंट लग जाए, कार लेनी है तो यही वाली लेनी है। सह स्वीकृति से भी हो सकता है कि भाई परिवार में 5 सदस्य हैं, हमको जो घर है वो थोड़ा दूर है शहर से, आना जाना कई बार पड़ता है एक जगह से दूसरी जगह, ठंडी में, बरसात में, गर्मी में हमको जो है टैक्सी नहीं मिलती है, बाइक से आने में समस्या होती है, 5 लोग हैं हो नहीं पाता है, ये सारी चीजें दिखती हैं, तो वहां पर सहज स्वीकृति के आधार पर भी हम ले पाते हैं। तो इस मेरी जो इच्छा हो रही है, मेरा जो कल्पनाशीलता चल रही है, वो किस आधार पर है? मान्यता के आधार पर, संवेदना के आधार पर, सहज स्वीकृति के आधार पर। अगर मान्यता और संवेदना से चल रही है तो मैं उसको अपने आधार पर नहीं चला रहा हूं, कोई दूसरा उसको चला रहा है, मैं परतंत्र हूं। लेकिन वही सहज स्वीकृति के आधार पर चल रही है,
तो मैं उसको खुद के आधार पर, स्वयं के आधार पर चला रहा हूँ, ये बात ध्यान में आती है। इसी कल्पनाशीलता के ही आधार पर मेरा व्यवहार और कार्य निकल कर आता है। जो भी कल्पनाशीलता में चल रहा है उसी आधार पर मेरा व्यवहार और कार्य निकल कर आता है। जैसे अभी मैं आपके सामने कुछ बातें रख रहा हूँ, तो बातें सीधे रख रहा हूँ या मेरी पहले ये कल्पनाशीलता में चल रहा होगा? तो ये दिखता है कि पहले कल्पनाशीलता में चल रहा है, कल्पनाशीलता के चलने के बाद फिर व्यवहार और कार्य में आता है। अब कल्पनाशीलता में जैसे भी जो भी चीजें चल रही हैं उसी के आधार पर किसी भी व्यक्ति का व्यवहार और कार्य तय होता है। इसी से योग्यता भी तय हो रही है, मेरी योग्यता इसी कल्पनाशीलता के आधार पर है, ये बात भी चर्चा में निकल कर आई थी। जब और आगे बात हुई तो ये भी बात निकल कर आई कि जो मैं हूं उसमें एक संयम का भाव बना हुआ है। संयम के भाव को कहा शरीर के पोषण संरक्षण और सदुपयोग की जिम्मेदारी का भाव, ये बना हुआ है। ये भी ध्यान में आया कि भाई जो भोजन है वो भी सीमित मात्रा में शरीर के लिए दिखता है कि जरूरी है, जो कपड़ा मकान है वो भी सीमित मात्रा में जरूरी दिखाई देता है, और जो साधन है वो भी सीमित मात्रा में जरूरी दिखाई देते हैं। स्वास्थ्य को जब देखने जाते हैं शरीर में स्वास्थ्य को, तो दिखता है शरीर मैं के अनुसार जो है वो काम करता है, और शरीर के सभी अंग और प्रत्यंग में एक व्यवस्था बनी हुई है। अभी देखिए ना, शरीर में कोई भी चीजें नट बोल्ट से टाइट तो नहीं है, लेकिन हम दौड़ के जाते हैं ऐसा कभी भी नहीं होता कि हार्ट जो है वो पेट के पास आ गया, फेफड़े जो है वो लीवर में आ गए, ऐसा नहीं होता है। वो सब एक व्यवस्था के बीच में बने हुए हैं, सब आपस में एक सिस्टम, एक व्यवस्था बनी हुई है, और जहां पर सभी ठीक से, अगर हम उसको ठीक ठीक समझ पाते हैं तो ठीक ठीक उसके आधार पर जी पाते हैं, काम कर पाते हैं, जिससे मैं भी अच्छे से रहूं और वो भी आराम से चल पाए, शरीर भी ठीक ठीक काम कर पाए। शरीर के सदुपयोग के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए सुविधा की आवश्यकता होती है। यहाँ से दो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलते हैं, समृद्धि के लिए कार्यक्रम और स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम। तो समृद्धि के लिए पहले भी चर्चा हुई कि आवश्यक सुविधा की पहचान हो जाए और अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव हो जाए। तो पहले आवश्यक सुविधा की पहचान हो जाए, ये सही समझ से होगी, और अधिक की उपलब्धि और उत्पादन का भाव जो होगा ये फिर हम कोई स्किल सीख कर करेंगे। जैसे मैं टीचिंग करता हूँ तो टीचिंग से ये चीज को कर पाता हूँ कि भाई जो भी मेरी आवश्यकता है उसका उत्पादन कर पाऊँ, लेकिन मेरी आवश्यकता क्या है इसको कैसे पहचानूंगा? तो ये मुझ में सही समझ हो पाएगी, उसके आधार पर पहचान पाऊंगा। कोई व्यक्ति है, हो सकता है वो प्लेन उड़ाता हो, पायलट हो, तो जो पायलट उड़ा रहा है वो स्किल है उसकी, तो उससे वो अपनी आवश्यकता से अधिक की उपलब्धि और उत्पादन के लिए वो ये काम कर पाएगा। लेकिन एक हुनर है वो, लेकिन आवश्यक सुविधा की पहचान कैसे हो, वो होता है सही समझ के आधार पर वो हो पाता है। तो फिर तो ये बात दिखती है कि जो सही समझ है ये हर एक मानव के लिए जरूरी दिखाई देती है, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो शिक्षक हो, हर एक के लिए ही जरूरी दिखाई देती है। और मैं अगर देख पाऊं तो मेरे लिए भी जरूरी है, ये बात ध्यान में आती है। फिर अगर स्वास्थ्य के कार्यक्रम को देखें तो ये दिखता है कि भाई अगर आहार विहार ठीक है, उसके साथ साथ श्रम अगर हम कर रहे हैं तो हम स्वस्थ बने रहते हैं। अगर इतने से पूरा काम नहीं हो पा रहा है तो व्यायाम या आसन की जरूरी काम कर सकते हैं। अगर यहाँ से भी चीजें पूरी नहीं हो पा रही तो फिर हमको कुछ औषधि और उपचार, शल्य चिकित्सा की जरूरत पड़ती है। औषधि भी हमारे घरों में बहुत सारी उपलब्ध है, भाई हल्दी है, अजवाइन है, सौंफ है, ये सब भी हम औषधि के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या है, हम लोग तो सीधे आहार से औषधि पे आ जाते हैं, हम बीच में श्रम, व्यायाम, आसन, इन सब को बहुत ध्यान नहीं दे पाते। फिर जब परिवार में चर्चा की बात हुई, खुद की चर्चा, खुद की व्यवस्था को देखने के बाद परिवार में व्यवस्था की बात हुई, और कल दिन भर ही परिवार में इन दो भावों को देखने पर चर्चा हुई दिन भर, तो ये ध्यान में आया कि संबंध है एक मैं का दूसरे मैं के साथ, संबंधों में भाव है एक मैं में दूसरे मैं के साथ, लिए कुछ भाव है, इन भावों को पहचाना जा सकता है। निश्चित भाव है, नौ भाव है,
और जब भी इनका निर्वाह और मूल्यांकन करते हैं तब अपने में ये दिखाई देता है कि भाई उभय सुख जो है वो होता है, विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता और प्रेम। ये बात हुई। जब विश्वास को देखने गए तो विश्वास को कहा कि दूसरा मुझे सुखी करना चाहता है। इस बात की यदि स्पष्टता हो जाती है तो मैं दूसरे पर विश्वास कर पाता हूँ। और ये जो सुखी करना चाहता है वहां कोई कंडीशन नहीं है कि कभी कभी सुखी करना चाहता है, केवल सुबह के टाइम सुखी करना चाहता है, केवल दिसंबर के महीने में सुखी करना चाहता है, ऐसा नहीं है, निरंतर सुखी करना चाहता है। इस बात की जब स्पष्टता हो जाती है तो उसको विश्वास कहते हैं। योग्यता होती है तो कर पाता है, योग्यता नहीं होती है तो नहीं कर पाता है। अभी देखिए, मैं भी निरंतर सुखी तो खुद को भी करना चाह रहा हूँ, पर कर पा रहा हूँ क्या, तो ये दिखता है नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि कहीं कहीं योग्यता कम पड़ जा रही है। तो ये बात विश्वास को लेकर हुई और एक लंबी चर्चा भानु भैया ने रखी इस पूरे पर। अब जब सम्मान को देखने गए, तो जो सम्मान को जब देखने गए तो ये बात ध्यान में आती है कि जो मेरा लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता, ये दूसरे के समान ही है, सेल्फ के आधार पर, स्वयं के आधार पर। अभी एक सर प्रश्न भी पूछ रहे थे, अभी दिख नहीं रहे हैं, माइक था सर के पास, अगर हैंड रेस कर देंगे तो। जी अनिल जी बताइए। अनिल कांबले जी। जी भैया जी नमस्कार। जी, मेरी आवाज आ पा रही है? जी भैया देखिए, मेरा कल के विषय जी आप माइक चालू रखिए। आपका यही प्रश्न था कि भाई हमारा लक्ष्य और बच्चे का लक्ष्य तो अलग अलग दिखाई देता है, हमारा कार्यक्रम, बच्चे कार्यक्रम अलग अलग दिखाई देता है। जी जी ठीक बात है। अगर हम शरीर के आधार पर देख रहे हैं तो हमारा लक्ष्य और बच्चे का लक्ष्य अलग दिखाई देता है, हमारे कार्यक्रम और बच्चे का कार्यक्रम अलग अलग दिखाई देता है। लेकिन जब हम सेल्फ के आधार पर देख रहे हैं तो ये ध्यान में आता है कि भाई मैं भी सुखी और समृद्ध होकर जीना चाहता हूँ, सुख समृद्धि की निरंतरता के साथ जीना चाहता हूँ। और ठीक वैसे ही जो छोटा बच्चा है वो भी सुख और समृद्धि की निरंतरता के साथ जीना चाहता है। मैं अभी इस चीज को पढ़ रहा हूँ, इस वर्कशॉप को कर रहा हूँ, तभी मुझे ये ध्यान में आया कि भाई मैं सुख समृद्धि की निरंतरता के साथ जीना चाहता हूँ, या जब मैं छोटा था तब भी जीना चाहता था, जब मैं बूढ़ा व्यक्ति हो जाऊंगा तब भी मैं जीना चाहूंगा। क्या लगता है अनिल जी? जी दिलसाद भैया, मैं ये कहना चाह रहा था कि फिर हमें यहाँ अभी हम लक्ष्य को सुख से लेके चल रहे हैं, तो सभी तो सुख में पूर्ण जीना चाहते हैं, लेकिन फिर हमें लक्ष्य को सही तरह से परिभाषित करना पड़ेगा कि लक्ष्य है क्या एक्चुअली में। मैं तो लक्ष्य दूसरा समझ रहा था कि बच्चों का वाकई में लक्ष्य तो अभी फिलहाल जो 6 साल का बच्चा है उसका तो लक्ष्य सिर्फ खेलने ही खेलना रहता है, और जो 24 साल का बच्चा है उसका लक्ष्य तो अपना भविष्य बनाना रहता है। अभी तो यहाँ हमें लक्ष्य को परिभाषित करना पड़ेगा। जी जी अभी हम तो मैं उस लक्ष्य को लेके चल रहा था। हाँ, यहाँ लक्ष्य सिर्फ सुख को लेके चल रहे हैं। नहीं, हम उस लक्ष्य को भी देखें तो वो बच्चा खेल के क्या हो रहा है? हाँ, खेल के तो सुखी हो रहा है वो। हाँ, तो ये देखा कि वो जो खेलना है वो एक रास्ता है उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। तो वो खेलना जो है वो लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य तो रास्ता है कि भाई वो सुखी हो जाएगा। जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है नौकरी पाने के लिए, तो ये बात ध्यान में आती है कि वो एक रास्ता है पढ़ाई करना। वो पढ़ के नौकरी हो जाएगी तो उससे क्या होगा? तो ये बात ध्यान में आती है कि वो बच्चा भी जो पढ़ रहा है, 25 साल का बच्चा हो गया, 20 साल का, तो वो पढ़ रहा है तो वो भी सुखी होना चाहता है। तो ये बात ध्यान में आई कि वो जो पढ़ाई है, वो जो खेलना है, वो एक रास्ता है, और लक्ष्य क्या है? ये लक्ष्य दिखाई दिया कि वो सुखी हो जाए। ये बात भैया, अनिल भैया कुछ पहुंची आप तक? जी हाँ, अभी मैं और समझने की कोशिश करूंगा इस लक्ष्य को। जी, क्योंकि अभी मैं दूसरे अर्थों में लक्ष्य को, क्योंकि वो हमको वाकई में लगता है कि हर व्यक्ति का अपना एक अलग लक्ष्य होता है और क्षमताएं भी अपनी अलग होती है। लेकिन भानु भैया ने कल बताया हमें कि लक्ष्य और कार्य और क्षमताएं एक जैसी होती है। मैं अभी बाद में और अच्छे से समझ पाऊंगा शायद जो आप समझा रहे हैं। धन्यवाद दर्शन भैया जी। धन्यवाद। तो ये बात ध्यान में आई कि जब हम सेल्फ के आधार पर देखते हैं
तो हमारा लक्ष्य एक ही दिखाई देता है, मैं भी सुखी होना चाहता हूँ, दूसरा व्यक्ति भी सुखी होना चाहता हूँ। कार्यक्रम अब सुखी होंगे कैसे, तो दिखाई दिया कि भाई मैं कैसे सुखी हो पा रहा हूँ। तो जब मैं चारों स्तर की व्यवस्था को समझ लेता हूँ, उसके आधार पर जीता हूँ, तो मैं वहां से सुखी हो पाता हूँ। तो कार्यक्रम ये है। अब क्षमता क्या है? इस कार्यक्रम को समझने के लिए मेरे में कल्पनाशीलता है ही। अब कल्पनाशीलता के ठीक हर एक मानव में है, और कल्पनाशीलता को सहज स्वीकृति के आधार पर चला पाए ऐसा भी हर एक मानव में है। चला रहे हैं, नहीं चला पा रहे हैं, ये दूसरी बात है। इसी को योग्यता कह रहे हैं कि मैं अपनी कल्पनाशीलता कितनी सहज स्वीकृति के आधार पर चला पा रहा हूं। लेकिन ये तो बात ध्यान में आती है कि भाई सहज स्वीकृति मेरे में भी है, हर एक मानव में भी है। तो ये दिखता है कि भाई क्षमता हमारी जो है वो दूसरे व्यक्ति जैसी ही है। तो हम ये इस बात को कह पाते हैं कि मेरा लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता दूसरे व्यक्ति जैसा ही है, अर्थात दूसरा व्यक्ति मेरे जैसा ही है। अभी लेकिन योग्यता की बात नहीं हुई, तो ये बात ध्यान में आई कि भाई योग्यता तो अलग अलग हो सकती है। दूसरा व्यक्ति मुझसे ज्यादा योग्य भी हो सकता है, मुझसे कम योग्य भी हो सकता है। जो व्यक्ति मुझसे ज्यादा योग्य है, मुझे ये दिख गया कि भाई सामने वाला व्यक्ति मुझसे ज्यादा योग्य है, तो मैं उससे सीखने को समझने को तैयार रहता हूँ, तत्पर रहता हूँ। मुझे ये दिख गया कि भाई सामने वाला व्यक्ति ज्यादा समझदार है, मैं उससे सीखने समझने को तैयार हूँ। अब जैसे ही मुझे ये दिखता है कि भाई मैं दूसरे से ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूँ, अब क्या किया जाए? तो ऐसे में लगता है कि दूसरे व्यक्ति को सिखा दिया जाए। पर अभी देखिए, ये मुझे को लग रहा है कि मैं उससे ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूँ। हो सकता है दूसरे ने अभी ये ना माना हो कि मैं उस व्यक्ति से ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूँ। तो जब भी मुझे ये बात ध्यान में आ जाए कि भाई मैं ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूँ, मैं अधिक समझदार अधिक जिम्मेदार हूँ, तो ऐसे में मैं दूसरे व्यक्ति के साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ, बिना उसके व्यवहार से प्रभावित हुए, बिना कोई शर्त लगाए कि जब तक तुम ठीक रहोगे तभी तक हम ठीक से रहेंगे। ऐसा नहीं है ह्यूमन वैल्यू कोर्स कर लिया तो हमको गुस्सा नहीं आता है, ये सब तो हम शर्त लगा रहे हैं ना। बिना शर्त लगाए मैं जिम्मेदारी के साथ उसके साथ जीता हूँ, और ऐसा जीते हुए मैं उस वो भी व्यक्ति समझदार हो जाए उसका सहयोग करता हूँ। लेकिन जब वो मेरे लिए आश्वस्त हो जाए तभी, उसके पहले नहीं कि मैं उसको थोप दूं, ये देखो ये तुमको भी करना है, मैं समझदार हो गया तुमको भी होना है कल से। इस पूरे को हम कह रहे हैं कि भाई दूसरा मेरे जैसा है, हम एक दूसरे के पूरक हैं, इसी को कह रहे हैं पूर्ण सम्मान। तो यहाँ तक कल चर्चा हुई थी। इससे रिलेटेड अगर कल रात में कुछ होमवर्क भी मिला था घर में, जो है हम परिवार के लोगों से बात करें, जो 8 प्रश्न थे उनको भी पूछें, तो अगर इनसे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन है तो वो हम लोग ले सकते हैं, आपका कुछ रिफ्लेक्शन है तो वो ले सकते हैं, और फिर हम लोग आज के जो बाकी 7 भाव हैं हम लोग कोशिश करेंगे कि पहले 1 घंटे में उनमें से 4-5 भावों को देखें, फिर उसके बाद कुछ भावों को और देखें, तो इस तरह से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी प्रेम लता जी हैं, नमस्ते प्रेम लता जी। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। मेरा सेकंड वर्कशॉप है और मैंने जुलाई में अटेंड किया था, उससे मेरी समझ बढ़ी है और संबंधों में भी सुधार आया है। पर ये बात सही है कि जैसा मैं चाहती हूँ वैसा नहीं आया है। तो मेरा प्रश्न था जो कल 3 भेद बताए थे शरीर मान्यता और उसको लेकर, तो उसमें एक आयु वर्ग का जो रहता है उससे मैं जानना चाहती हूँ। जैसे मैं अपना ही उदाहरण दूँ तो जैसे मेरे माता पिता हैं, वृद्ध हैं दोनों, और मैं मेरी एज भी 39 है, और फिर भी जैसे मेरे पेरेंट्स बड़े हैं, जो एज डिफरेंस है, उनको हमेशा ये भान रहता है कि हम बड़े हैं तो आपको हमारी बात ही सुनिए, जो हम कह रहे हैं वही सही है। कई मामलों में मेरी समझ बड़ी है तो जैसे विश्वास सम्मान ये चाहना पहले वर्कशॉप से ये चीज बहुत ग्रहण की कि अगर मेरी चाहना सही है उनको सुखी देखने की, तो उनकी भी चाहना मेरे प्रति सही है कि वो मुझे सुखी देख पाए।
पर कई मामलों में जैसे एज डिफरेंस का सोच विचार का बहुत मतभेद आ जाता है कि कई मामलों में मैं देखती हूँ तर्क कल्पनाशीलता में भी चलता है, आचार विचार सह स्वीकृति के साथ भी मंथन करने का प्रयास करती हूँ, पर सब कुछ देखते हुए भी जब मैं उनको सही नहीं पाती हूँ तो मेरा विश्वास सम्मान में कहीं ना कहीं कमी आती है। फिर वहां पर मेरे जो संबंध होते हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा विचलित होते हैं, मतलब मैं परेशान भी होती हूँ। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर मुझे फिर से अपने अंदर ही सारे बदलाव लाने हैं, या ये बात सब अभी आपने बताई कि सही समझ हर मानव के लिए जरूरी है, पर बात सही है UHV की ट्रेनिंग मैं ले रही हूँ, वर्कशॉप मैं अटेंड कर रही हूँ, तो बातें मैं समझ पा रही हूँ, कई मामलों में अपनी बात भी उनको प्रस्तावित वे में रख पाती हूँ, पर जो उनकी मान्यता बन गई है कि आप छोटे हो, आप नहीं समझते हो, आपने दुनियादारी नहीं देखी है, तो मैं उनको वो प्रस्तावित वे में भी नहीं समझा पाती हूँ। ये बात समझ में आ गई कि हाँ योग्य उनका चाहना ठीक है, सब कुछ ठीक है, क्षमताएं भी ठीक है, वो मेरे जैसे ही है, पर योग्यता में कहीं ना कहीं कमी है, पर फिर भी उस योग्यता में कमी है फिर भी मैं विचलित होती हूँ। तो इसके लिए मैं अपने में और क्या सुधार लाऊं कि वो जो विचलित होती हूँ, जैसे मैं उभय सुख की तरफ अगर जाना चाहूँ तो जब वो विचलन की स्थिति होती है तो ना मैं उनको सुखी रख पाती हूँ ना खुद को, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि इसके लिए मैं और क्या करूँ अपने ऊपर, क्या मतलब अपने अंदर बदलाव लाना है या मेरे अभी समझ को थोड़ा सा विकसित करना है, इसके लिए प्लीज मेरा थोड़ा सा गाइडेंस करें। जी प्रेमलता जी, तो जो बात मैं देख पा रहा हूँ तो वो तो इस तरह की, अभी क्या है ना, हम ये बात कह तो रहे हैं कि हम प्रस्तावित वे में भी समझाना चाह रहे हैं, तो अभी हम प्रस्ताव को समझाने का प्रयास आपके सामने बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, हम तो आपके सामने प्रस्ताव देकर जांच परख करने के लिए छोड़ दे रहे हैं कि भाई आप अपने में जांच परख करें। हमने ऐसा भी नहीं मान लिया है कि भाई यहाँ 150-200 लोग जुड़े हैं, सब इन 5 दिन के बाद सब समझदार जिम्मेदार हो जाएंगे जी। ऐसा भी नहीं मान लिया है कि भाई कुछ प्रस्ताव दे दिया है सामने वाले को, कुछ जांच परख करने का मौका भी दें। अभी हमको लगता है कि हम प्रस्ताव विधि में बोल दें कि देखिए ये है, ऐसे ऐसे जांचना है और आप समझदार हो जाइए। अभी जनरली हम इस तरह से बात जो है वो कह देते हैं, हमको लगता है कि भाई ये प्रस्ताव तो ठीक है, प्रस्ताव विधि ठीक है, पर ये तुरंत समझ जाए जी। तो वो ऐसा तुरंत समझने जैसा है नहीं। अभी मुझे अगर ये दिख गया है कि मैं ज्यादा समझदार जिम्मेदार हूँ तो मैं उनके साथ जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ बिना उनके व्यवहार से प्रभावित हुए। भाई मैं जिम्मेदार व्यक्ति हूँ, अगर ये बात मुझे दिख गई तो मैं उनके व्यवहार से प्रभावित हूंगा या नहीं प्रभावित हूंगा, क्या लगता है आपको? प्रभावित होंगी। हाँ, तो अगर प्रभावित हो रही हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे में ही अभी समझ में कमी है। अभी ये दिखता है कि भाई खुद पे ही काम करने की जरूरत है अगर मैं प्रभावित हो रही हूँ। लेकिन अगर मैं प्रभावित नहीं हो रही हूँ, मुझे ये दिख गया कि भाई मैं ठीक ठीक जी पा रही हूँ, मैं ज्यादा समझदार हूँ, तो फिर मैं उनके व्यवहार से बहुत प्रभावित नहीं होंगी। और मैं जैसे जब मैं पहली बार वर्कशॉप किया तो मुझे लगा कि भाई ये वर्कशॉप जैसे मेरे परिवार में ऐसा दिखाई देता है कि भाई पिताजी का थोड़ा सा रिएक्शन ज्यादा रहता है कई बार, या सुविधा को लेकर उनका ज्यादा झुकाव है, तो घेर घार के एक बार दो बार तीन बार कहीं वर्कशॉप हुई इधर उधर, मतलब कई बार एक आध बार तो मुझे ध्यान उनसे झूठ भी बोलना पड़ा कि ऐसा आप कर लोगे तो ये अच्छा रहेगा, ऐसा है ये है, तो उनको ले गया, उन्होंने पूरी वर्कशॉप भी सुनी, वर्कशॉप सुनने के बाद भी वो ध्यान नहीं दे पाए। तो मुद्दा तो अपने ऊपर ध्यान देने का है कि हम कितना ध्यान दे पा रहे हैं। और कई बार क्या होता है, जब हम एक बार दो बार तो सामने वाले को बताते हैं, तीसरी बार जब सामने वाले को बताया और सामने वाला नहीं माना, तो फिर हमारा जो एक रिएक्शन है वो निकल कर आने लगता है जी, बिल्कुल। और उस रिएक्शन के कारण सामने वाले तक ये बात तुरंत पहुंचती है कि ये तो अभी योग्य ही नहीं है। अगर रिएक्शन आ रहा है तो ये व्यक्ति तो अभी योग्य ही नहीं है, तो ऐसे व्यक्ति से हम क्यों समझें, क्यों सीखें? हाँ। लेकिन वही अगर हम जिम्मेदारी पूर्वक जीते हैं,
हमारे में कोई रिएक्शन नहीं आता है और हम उसका रिस्पॉन्स करते हैं। रिएक्शन एक आउटर भी नहीं आता है और अपने में भी नहीं आता, इनर भी नहीं चलता है। नहीं तो कई बार तो ये भी होता है कि आउटर कोई रिएक्शन नहीं आया पर इनर बहुत सारा रिएक्शन चला जी। तो जब वो आउटर रिएक्शन भी नहीं होता है और इनर रिएक्शन भी नहीं होता है, हम अपने में आराम से जीते हैं। और ऐसा जीते जीते जब सामने वाले व्यक्ति को दिखता है, हाँ भाई ये व्यक्ति तो जिम्मेदारी पूर्वक जी रहा है, समझदारी पूर्वक जी रहा है, तो व्यक्ति हो सकता है आपसे कभी सलाह भी मांग ले, आपसे कभी कुछ राय भी मांग ले। पर इसके लिए कुछ समय लग सकता है, जिस तरह कभी सामने वाले व्यक्ति का संस्कार होगा उसके आधार पर कम ज्यादा समय लग सकता है। लेकिन हमने ये भी मान लिया है कि हमने एक बार समझाया है, ये समझ जाए। नहीं, ये बात आपकी सही है। और पिछले अल्पविराम से और आपके यूएचवी सेशन से ये चीज मैंने बिल्कुल दृढ़ता के साथ सीखी है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है, रिस्पांस करना है। उसके लिए भले ही आप समय ले लें, पर हाँ मेरे रिस्पांस के तरीके में बदलाव से आया है, उससे मैंने बहुत कुछ पाया भी है। और ये बात सही है कि हाँ अभी आपकी ये बात मुझे अच्छे से समझ में आ गई कि मुझे बिना शर्त लगाए जिम्मेदारी पूर्वक जीना है और खुद में ही अभी बदलाव की जरूरत है। अभी कमी है भैया। एक और प्रश्न है, कल जो भेद बताए थे उसमें एक तीसरा जो भेद था मान्यता को लेकर, तो वो वाद संप्रदाय और सूचना, उसके तीन जो अंग थे वो मुझे फिर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए, तो वो मैं फिर से जानना चाहूंगी। जी, जी. मैं उसको रख देता हूँ चैट बॉक्स में। विनीता जी भी भेद के बारे में जानना चाहती हैं, तो मैं उसको भी एक बार रख देता हूँ। एक मिनट मुझे बस दीजिए, मैं उसको शेयर भी कर देता हूँ। तो जो तीन भेद दिखाए थे, तो ये दिखाई दिया कि भाई समाज में बहुत सारा भेद तो दिखाई देता है अभी वाद के आधार पर। जिस तरह से ये दिखता है कि भाई कोई साम्यवादी है, कोई समाजवादी है, कोई पूंजीवादी है, इस तरह से कुछ अलग अलग भेद दिखाई देते हैं। तो अभी हमको कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर या हमारी मान्यताएं किसी पर्टिकुलर को से ठीक मिल गई या मिल गई, तो हमको लगता है कि भाई ये व्यक्ति ठीक है, इसका हम सम्मान कर सकते हैं, ऐसा बात जो है वो ध्यान में आती रहती है। तो एक ये भेद के आधार पर होता है, ये अभी दिख रहा होगा शायद। तो ये मान्यता के आधार पर जो है ये वाद एक डिफरेंस हमको दिखाई देता है कि भाई ये पूंजीवादी है, ये समाजवादी है, कम्युनलिज्म है, सोशलिज्म है, इसके आधार पर एक डिफरेंस है समाज में। साथ ही साथ संप्रदाय भी है, कोई भाई हिंदू धर्म का है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, ईसाई है, बौद्धिज्म है, बहुत सारे धर्म है, तो उसके संप्रदाय है उसके आधार पर है। फिर सूचना के आधार पर भी, कि कोई जैसे बोला कि भाई ये बीए कर लिया है, ये एमए कर लिया है, ये पीएचडी कर लिया है, पीएचडी के बाद पोस्ट डॉक्टरेट भी कर लिया है, तो ये दिखता है सूचना के आधार पर भी एक अलग अलग है, हमने उसको भी भेद मान लिया है। अब जो सम्मान करें इस भेद के आधार पर करें, या फिर अभी तो ये दिखता है कि इस भेद के आधार पर बहुत सारा विरोध आंदोलन होता है, या फिर हम मानव को मानव के जैसा स्वीकार लें कि भाई मानव है तो मैं भी हूं और शरीर भी है, और जब हम मैं को देखने जाते हैं, सेल्फ को देखने जाते हैं, तो वहां ये बात ध्यान में आती है कि कार्यक्रम लक्ष्य, कार्यक्रम और क्षमता ये एक सी ही बनी हुई है, तो दूसरा मेरे जैसा ही है, ये बात ध्यान में आती है। जब ये भी ध्यान में आ जाता है कि भाई जो योग्यता है, जो कॉम्पिटेंस है, वो कम ज्यादा हो सकता है, और उस कॉम्पिटेंस कम ज्यादा के होने से हम लोग एक दूसरे के पूरक भी हो सकते हैं, परस्पर पूरकता में भी बात कह सकते हैं। जी प्रेमलता जी, ये बात कुछ पहुंची आप तक? जी भैया बिल्कुल। अक्सर जब सम्मान की बात होती है और ये पूरकता की बात होती है, तो मेरी भाभी हैं और मेरी वाइफ हैं, तो मेरी जो भाभी हैं उनकी हाइट ज्यादा है और मेरी वाइफ की हाइट कम है, दोनों लोग किचन में काम करती हैं, तो दो तरीके से काम कर सकते हैं। एक तो ये है कि भाई एक दूसरे को चिढ़ाएं कि भाई तुम लंबी हो, तुम छोटी है, एक ये है।
एक ये भी है कि वो लोग इस तरह से काम करती कि भाई जब ऊपर से कुछ उठाना है सामान तो बोल देती कि भाई आप उठा दो, जब नीचे झुककर कुछ प्याज नीचे रखी है या और कुछ ऐसा नीचे रखा है वो निकालना है तो जो मेरी भाभी है मेरी वाइफ से बोल देती कि भाई तुम निकाल दो। तो ये दिखता है कि भाई एक तरह से परस्पर पूरकता के भाव से भी जिया जा सकता है, एक कॉम्प्लीमेंटेरिटीनेस के साथ भी जिया जा सकता है। भेद है, एक की हाइट ज्यादा है एक की हाइट कम है, लेकिन इस भेद के साथ भी पूरकता के भाव के साथ जिया जा सकता है। लेकिन अगर हम लोग अभी इस पूरकता के भाव को नहीं समझेंगे तो हम लोग बहुत सारा जो है भेद और लड़ाई झगड़ा और विरोध का भाव ये सब भी चल सकता है। पर भैया ये पूरकता का जो भाव है ये तो दोनों में होना जरूरी है तभी वो मतलब सफल होगा। अगर मेरे अंदर ही है पर सामने वाले के अंदर नहीं है तो फिर वही बात आ जाएगी, मुझे बिना शर्त लगाए जिम्मेदारी के साथ जीना है। ठीक है, दोनों में ही होना जरूरी है, ये बात तो आपकी ठीक है। शुरू कहाँ से करें, खुद से कि दूसरे वाले व्यक्ति से? खुद से ही करेंगे। खुद से, तो पहले अपने में समझदारी और जिम्मेदारी के साथ जी पाएंगे, और जब अगर हम समझदारी और जिम्मेदारी के साथ जी पाएंगे, पूरकता का भाव जरूरी है और मैं ज्यादा समझदार हो गया हूँ, फिर तो ये मेरी जिम्मेदारी बन जाती है कि सामने वाले तक भी बात को पहुंचे जी। और मुझे उस जिम्मेदारी को निभाना है, और उस जिम्मेदारी के लिए ये नहीं कि मैं सामने वाले को जाऊं और बताने लगूं, क्योंकि अभी तो ये दिखाई देता है सामने वाला व्यक्ति मेरी बातों से ज्यादा सीखता है या मेरे व्यवहार से ज्यादा सीखता है, क्या लगता है आपको? व्यवहार से ज्यादा सीखता है। व्यवहार से, और अगर मेरा व्यवहार ही ठीक नहीं है तो वो क्या सीख पाएगा, समझ पाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो समझेगा नहीं। तो इसीलिए कहा कि भाई मेरे मुझे अगर मुझे ये दिख गया कि मैं ज्यादा समझदार हूँ तो पहले तो मैं जिम्मेदारी के साथ जीता हूँ, और ऐसा जीता हुए सामने वाले तक कुछ प्रस्ताव ले जाता हूँ ताकि वो भी जांच परख करके देख पाए ठीक ठीक जी पाए। पर भैया बहुत सारी बात, जैसे कल विजय भैया ने ही डिस्कशन में पूछा था, पूजा को लेकर एक चर्चा चली थी जिसमें ये कहा था कि पूजा विधि एक घर का ही संबंध है। जैसे मेरी माई है वो एकादशी पे बिल्कुल कर्म कांड के हिसाब से घंटों पूजा करना चाहती है, व्रत मैं भी रखती हूँ पर मेरे से वो नहीं होता, मैं ओनली मेडिटेशन करती हूँ। तो वहां पर फिर उनका मेरा झगड़ा होता है अक्सर कि वो मुझसे कहती है कि तुम व्रत रखती हो पर बिना मतलब का रखती हो, तुम्हें कोई सेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, और मैं उनके अकॉर्डिंग वो घंटे भर की पूजा नहीं कर पाती हूँ। और फिर वो जो एग्रेसिवनेस आता है उनका, और वो मैं अपने व्यवहार से भी उसको परिवर्तन नहीं कर पाती हूँ, तो क्योंकि उनकी मान्यता वही है कि फल तभी मिलेगा जब वो घंटों पूजा करूंगी, और मेरी मान्यता यहाँ पर ना दीदी हम लोग जब अभी भावों में बात करेंगे, श्रद्धा की भाव की बात करेंगे तो वहां पर पूजा पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे आज। जी जी ठीक है भैया, ठीक है जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। ठीक है, हम संतोष तिवारी जी हैं, नमस्ते संतोष भैया। सरिता दुबे जी भी हैं, नमस्ते सरिता दीदी। हेलो जी, बताइए। सर मेरा कहना यह है कि हम अपना व्यवहार तो सही रखते हैं और हमेशा से करते रहते हैं कि सही है, आप छोटे हो या आपसे ये नहीं हो रहा तो हम कर लेंगे, हम अपनी जवाबदारी निभा लेंगे। लेकिन कई सालों तक, मान लो मेरे को 18 साल हो गए ये जवाबदारी निभाते, लेकिन मेरे से जो छोटे हैं मेरे परिवार में मेरी देवरानी है या मेरे से बड़े हैं तो उनको ये लगता है ये इसी का काम यही करेंगी, ये मतलब इनकी जवाबदारी बन गई है, फिर वो कभी रिस्पॉन्स नहीं देती है, वो उनको लगता है कि हम फिर ही रहे, ये तो इनका काम है यही करेंगी जी। अभी क्या है ना कि हम जब वो जिम्मेदारी तो उठा लिए, लेकिन जब हम क्या होता है कि भाई हमको लगा कि किचन का काम करना है तो किचन का काम करके हम चले गए, सामने वाले को लग रहा कि भाई ये किचन का काम कर रहे हैं, लेकिन जब सामने वाले के साथ हम चर्चा कर रहे हैं जी, तब वहां पर हम क्या बातचीत कर रहे हैं अभी देखें तो ज्यादातर समय तो ये लगता है कि भाई सुविधा क्या क्या घर में कम है वो पूरी हो जाए। नहीं, मेरे साथ भी होता है सर कि यदि कोई काम आया है तो बड़े लोग बोलते हैं कि तुम बड़ी हो तुम कर लो, वो छोटा वो नहीं कर पाएगा, और जब उस स्थिति पे आते हैं तो बोलते हैं कि अरे तुम तो, जैसे बड़ों के साथ कुछ होता है तो अरे तुम छोटी हो तुम सहन कर लो, वो तो बड़ों की आदत है, बड़ों के मतलब मैं छोटों के साथ बड़े में निकल आती हूँ और बड़ों के साथ छोटे में निकल आती हूँ, तो मेरी बात तो कभी हो ही नहीं पाती ना जी। ऐसा क्या लगता है, आप ही के साथ हो रहा होगा या सभी के साथ हो रहा होगा?
मुझे तो लगता है सर बहुत अधिकांश लोगों के साथ होता होगा। ठीक बात है, तो दिखता भाई अभी अधिकांश लोगों को ये कहा जाता है, भाई बड़े लोग ये कह रहे कि भाई छोटे हो, छोटे लोग ये कह रहे, और जब समय आ रहा है तो कोई कह दे रहा कि भाई यहाँ बड़े जैसा रहना चाहिए, फिर ये भी कह दे रहे कि भाई यहाँ छोटे जैसा रहना चाहिए। तो ये दिखता है कि भाई इस तरह का कह रहे हैं लोग, जो सामने वाला कह रहा है अभी उस व्यक्ति से भी पूछा जाए। मुझे ही सहन करना पड़ता है, हमेशा मुझे ही सहन करना पड़ता है, और लास्ट में बात आती है जी मैं कुछ बोलना चाहूंगी तो बोले अरे तुम तो समझदार हो, वो मूर्ख है उसको कौन समझाएगा। ठीक बात है, तो अभी क्या है देखिए, अगर मुझे ये दिख जाता है कि भाई मैं ज्यादा समझदार हूँ तो मैं सामने वाले व्यक्ति का सहयोग करता हूँ कि वो भी समझदार जिम्मेदार बने। लेकिन सर उनको ये लगता है कि ये इन्हीं का काम समझ लेते हैं ना उन लोग, फिर उनको उनकी जवाबदारी से और वो केयरलेस हो जाते हैं। अभी तो देखिए समाज में क्या है, एक समाज में या हमारे घर परिवार में हमने ये भी मान लिया है एक और बहुत प्रचलित मान्यता हो गई है कि मेहनत बराबर दुख जी, हम जितना मेहनत करेंगे उतना हम दुखी होंगे, ऐसी भी एक मान्यता हो गई है, जितना हम आराम करेंगे उतना हम सुखी से रह पाएंगे। अब जब इस मान्यता को देखने जाते हैं तो इस मान्यता के आधार पर ये मान लिया कि भाई जो काम करता रहे वो ठीक है। अभी भी देख लें कि भाई अगर जनरली हमारे घरों में जो हमारा सहयोग करने के लिए, काम करने के लिए मेड या बाई या इस तरह के लोग आते हैं तो कौन ज्यादा स्वस्थ है, वो हम ज्यादा स्वस्थ हैं या जो हमारे घरों में काम कर रहे हैं बाई है मेड है वो ज्यादा स्वस्थ है अपने ये देखता है कि भाई जो ज्यादा काम कर रहे हैं वो ज्यादा स्वस्थ है। तो ये ध्यान में आता है कि भाई काम करने से दुखी हो जा रहे हैं ऐसा नहीं है, हम जो अपने में अंतर विरोध चला रहे हैं, अपनी कल्पनाशीलता में जो अंतर विरोध बहुत सारा चला रहे हैं, हम उसके कारण दुखी हो रहे हैं जी। अभी हमने काम तो कर रहे हैं, हम बर्तन तो धो रहे हैं, लेकिन बर्तन धोते धोते ये भी चल रहा है कि अरे यार बताओ मुझे काम करना पड़ता है, मैं ही पूरा ये है, ये तो आराम से मजे से टीवी देख रहे हैं और ये वो इस तरह का सब चलता रहता है अपने में। तो हम वो बर्तन धोने या काम करने की वजह से नहीं थक गए, हम उस विरोध के भाव की वजह से जो है अपने में एक थकावट, एक लगा कि कहाँ फंस गए, निकल जाए यहाँ से, ये हो जाए वो हो जाए, ऐसा सब चलने लगता है। लेकिन अगर मुझे ये दिख जाता है कि भाई इस काम से जो है मैं स्वस्थ हूँ, और ऐसा होते हुए जो व्यक्ति को मुझे लगता है कि भाई वो भी मेरा सहयोग करे, तो हम उस व्यक्ति के साथ में कुछ बात को शेयर कर सकते हैं कि भाई थोड़ा सा तुम भी मेरा सहयोग करो, हम दोनों लोग मिलके करेंगे तो अभी हो सकता है कि 10 मिनट लग रहा है, हो सकता है तब 5 मिनट लगे, 8 मिनट लगे, तो हमको सामने वाले से एक संवाद शुरू करना है, और वो संवाद भी संबंध के भाव के साथ हो। लेकिन विरोध के भाव के साथ रहता है तो कई बार हम टॉन्ट भी कर देते हैं जी, बताओ इतने बर्तन हमने किए तुम भी कब करोगे, इस तरह का भी करके हम निकल गए। और जब इस तरह का निकल गए तो सामने वाले ने कहा कि क्यों धोया इन्होंने, इससे अच्छा तो चलो हम भाई रखवा लेते वही धो लेते, एक तो ये धोती भी हैं और टॉन्ट भी कर देती हैं। क्या लगता है सामने वाला आपको जिम्मेदार मान रहा है कि नहीं मान रहा? नहीं मानेगा सर। और जब जिम्मेदार नहीं मानेगा तो क्या हमसे वो सीखने समझने को तैयार होता है? नहीं होगा। तो देखता है सीखने समझने को तैयार। मुझे ये लगता है कि मान लो रेगुलर में रोज तो नहीं बोलती हूँ, लेकिन अब एक हफ्ते हो गए, महीना भर हो गया, दो चार जो भेद जो दिमाग में बैठी रहती बातें फिर किसी दिन निकलती है एक साथ, उसी दिन सामने वाला मान लेता है कि ये तो जो है अगर समझदार जिम्मेदार होते तो कैसे करते ये। तो इसीलिए जिम्मेदारी से पूर्वक जीना जरूरी तो दिखाई देता है। क्या लगता है जिम्मेदारी पूर्वक जीना ठीक है हमारे लिए कि कभी कभी जीना ठीक है, या कभी कभी गैर जिम्मेदारी पूर्वक जी लेना चाहिए? नहीं सर, डेली जीना चाहिए। जी जी ठीक बात, थैंक यू सर जी, धन्यवाद जी। संतोष जी है, संतोष जी का प्रश्न लेके फिर थोड़ा कंटेंट भी आगे बढ़ाएंगे। जी संतोष जी नमस्ते, बताइए। संतोष जी नहीं है, विजय भैया भी है, प्रभा जी भी है,
ठीक है, हम लोग, विजय भी आप कुछ बात रखना चाह रहे हैं? नमस्ते, ये नमस्ते नमस्ते, बताइए। मैं अपनी बात ये रखना चाह रहा हूँ कि कल जो सम्मान पे बात चल रही थी उससे थोड़ा सा जुड़ी हुई है, कि सम्मान और अपमान से हटके एक चीज, नई चीज भी फेस करनी पड़ती है, वो है उपेक्षा। तो जो उपेक्षा का जो भाव है, और वो उपेक्षा और असहयोग की भी स्थिति आती है, तो इसको कैसे डील करें? क्योंकि हम परिवार में बड़ों के बीच कुछ बेहतर रिश्तों के लिए जो भी प्रयास करते हैं, तो वो अपमान तो नहीं हो रहा, लेकिन उपेक्षा करने में कोई कुछ नहीं छोड़ रहे कसर, तो उसको कैसे डील किया जाए? जी जी, अभी तो ऐसा दिखता है कि जो उपेक्षा जिसको कह रहे हैं, अभी देखें तो कहीं ना कहीं वो ओवर इवेल्युएशन, अंडर इवेल्युएशन और अदरवाइज इवेल्युएशन, जिसको कहा अधिमूल्यन, अवमूल्यन और अन्यथा मूल्यन, इसको कहा, इसी को कह रहे हैं उपेक्षा। और ये दिखता है कि भाई ये मुझे सहज स्वीकार जो है वो नहीं है, और अगर मुझे सहज स्वीकार नहीं है तो ये दूसरे वाले व्यक्ति को भी बहुत ठीक नहीं लगता है, दूसरे वाले व्यक्ति को भी बहुत ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन समाज में कुछ ऐसी मान्यता हो गई है जिसके कारण ऐसा दिखता है कि भाई वो इस तरह का कुछ चल रहा है समाज में, तो जिसके कारण वो इस तरह का कर रहा है, हम सामने वाले के सहयोगी हो पाए, सामने वाले तक कुछ बात ठीक ठीक तरह से अगर पहुंचा पाते हैं तो उसका जीना भी ठीक हो पाता है, तो उस तक भी बात ठीक तरह से पहुंच पाती है, और वो भी फिर इस चीज को समझ पाता है कि भाई ये उपेक्षा और जो अन्यथा आकलन हो रहा है, अवमूल्यन हो रहा है, ये सब बहुत सहज स्वीकार होता नहीं है। इस बात की क्लैरिटी सामने वाले व्यक्ति तक भी पहुंच पाती है। लेकिन ये शब्दों वाली बात को लेके नहीं, व्यवहार वाली बात को लेके है। जैसे अपन पहुंच गए, किसी के समक्ष पहुंच गए, और वो सम्मान अपमान ना करते हुए अपने को इग्नोर ही कर रहा है वो, और अपने से सब संवाद ही नहीं कर रहा है वो, ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होती। या अपन सामान्य स्थिति लाने के लिए संपर्क करना चाहते हैं तो संपर्क ही नहीं अपन उस पर प्रॉपर कर पा रहे हैं, तो उपेक्षा जैसे रवैये को कैसे अपन डील कर जी? अभी मुझे लगता है कि देखिए, जब भी दो लोगों में बातचीत है या संबंधों का निर्वाह ठीक से नहीं हो पाते हैं, तो हमको लगता है कि भाई यहाँ से अलग हो जाना चाहिए, इससे निकल जाना चाहिए, तब तो ठीक हो जाएगा। अभी वो निकल जाने से संबंध ठीक हो जाते हैं ऐसा नहीं है। हाँ, हमारी हो सकता है बोलचाल बंद हो गई हो, पर कल्पनाशीलता में तो बहुत सारा चलता रहता है। अब वो जो कल्पनाशीलता में बहुत सारा चल रहा है, उसकी वजह से हम ये देखता है कि भाई परेशान भी हो रहे हैं। अगर उस टाइम पर ये बात ध्यान में आ जाती है कि भाई मेरे लिए संबंध महत्वपूर्ण है और मुझे संबंध पूर्वक जीना है, तो मैं सामने वाले से ठीक ठीक तरह से बात को रख पाता हूँ, और सामने वाले को भी मौका देता हूँ कि भाई उसको भी हो सकता है मुझे ये बात समझ में आई हो, इसी में दो चार दिन लगा हो, दो चार मिनट लगा हो, 10 साल लगा हो, तो हो सकता है सामने वाले को भी इसमें समय लगे। अभी एक हमारे साथ ये हो गया है कि हमने सोचा कि भाई मुझे समझ में आ गया, उससे माफी मांगनी चाहिए, और जैसे मैं जाऊं उससे बोलूं, वो भी बोले हाँ भाई ठीक है बढ़िया किया, वो भी माफी मांग ले। भाई मुझे बात समझ में आई उसमें कुछ टाइम लगा ना, हो सकता है सामने वाले को कुछ कम ज्यादा टाइम लगे, योग्यता तो अलग ही अलग है। अब उस योग्यता के आधार पर वो समय लग सकता है, लेकिन हमने ये मान लिया कि भाई तुरंत ही सब ठीक हो जाए। जैसे पहले ट्यूबलाइट आती थी तो ट्यूबलाइट को बटन जलाओ, थोड़ी देर बाद जलती थी, फिर एलईडी बल्ब आया, CFL आया, वो थोड़ा और टाइम कम लिया, LED आया, तुरंत जल जाता है। तो हमको लगता है कि संबंध भी ऐसे ही ठीक हो जाए, तो वहां थोड़ा समय लगेगा। जिस व्यक्ति का जिस तरह का संस्कार होगा, उतना समय तो लगेगा, और हमको उतना समय देना भी चाहिए, हमको भी कोई समय दे ही रहा है, ऐसी बात ध्यान में आती है मुझे। आप बताएं विजय भैया, क्या समय निरंतरता रखें ऐसा? जी, प्रयासों में निरंतरता रखें, यही बात है फिर तो। जिम्मेदारी पूर्वक जीना, मुझे लगता है वो उसकी निरंतरता रखना ज्यादा ठीक है। ठीक है भैया, थैंक यू जी, धन्यवाद। ठीक, मैं थोड़ा सा कंटेंट को आगे बढ़ा लेता हूँ, और फिर हम लोग चर्चा को जो है इस प्रश्न उत्तर को लेते रहेंगे।